देवभूमि दशनाम गोस्वामी समाज उत्तराखंड के पदाधिकारियों की ओर से श्रावण मास के सप्तमी के दिन भगवान श्री राम भक्त एवं संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पर सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। कहा जाता है कि इन्हीं से प्रेरणा लेकर इनके मन में समाज कल्याण के भाव उत्पन्न करने वाले विचार उत्पन्न हुए और इन्होंने भगवान श्री राम की भक्ति में लीन होते हुए लगभग 12 ग्रंथों की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र मानस के माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश की कि समाज में प्रेम भाव त्याग कैसे उत्पन्न किया जाए, जिसकी मिसाल श्री राम प्रभु एवं उनके तीनों अन्य भाइयों में परस्पर अगाध प्रेम त्याग भावना एवं समर्पण भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। यही हम लोगों के लिए शिक्षा पर्व है। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम की भक्ति में इतने लीन हो गए थे कि प्रभु श्री राम ने इन्हें चित्रकूट में साक्षात दर्शन दिए थे।